हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक्निकल स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक मोटर की जो नेम प्लेट होती है उस नेम प्लेट को कैसे रीड करें और उसकी पूरे डिटेल्स के बारे में चेक करेंगे। तो ये वीडियो जो है ये जो लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पढ़ाई करते हैं या फिर जो भी इंडस्ट्री में काम करते हैं उन दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे पूरा के पूरा एक मोटर के नेम प्लेट के बारे में। इस वीडियो में हम लोग पूरे के पूरे 19 टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो एक मोटर की नेम प्लेट में होती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मोटर की नेम प्लेट के सबसे ऊपर जो है ये क्या है, कंपनी नेम, यानी कि जिस कंपनी ने ये मोटर को बनाया है उस कंपनी का नेम लिखा रहता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा रहा है, बड़ा से लिखा हुआ है सीमेंस, मतलब ये जो मोटर है ये मोटर सीमेंस कंपनी ने बनाया है। उसके बाद बताया गया है थ्री फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। ये क्या है, मोटर का टाइप, ये है थ्री फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का आता है। उसके बाद टाइप है R6, फ्रेम है 49T, ये दोनों का मतलब है। और उसके बाद है सीरियल नंबर RT8002B, मतलब मान लीजिए आपका मोटर परचेस किया है आपने और उसके बाद कुछ दिन बाद एक पार्ट्स आपका खराब हो गया, तब आप सीमेंस कंपनी के कॉल करके क्या बोलोगे कि मेरा मान लीजिए एक बियरिंग खराब हो गया। अभी सीमेंस कंपनी के पास सिर्फ ये मोटर तो नहीं है, बहुत सारे मोटर है। आप ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हो मेरे को स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का बियरिंग खराब हो गया, वो भी नहीं चलेगा। आपको क्या बोलना है, मुझे इस टाइप का फ्रेम ये है और सीरियल नंबर ये मॉडल का आपका बियरिंग खराब हो गया, तो फिर क्या करेगा, आसानी से ये मॉडल आपका ये जो मोटर है ये उन लोगों के डिटेल्स में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए टाइप यूज होता है, उसके बाद फ्रेम, उसके बाद सीरियल नंबर बहुत ही जरूरत होता है। उसके बाद आता हूँ ड्यूटी के बारे में। यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यूटी S1, यहाँ पे शॉर्ट में समझा देता हूँ ड्यूटी क्या होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यूटी S1, ड्यूटी S1 का मतलब होता है दोस्तों ये कंटिन्यूअस रनिंग मोटर। मान लीजिए ये मोटर अभी चालू हुआ, अभी बहुत सारे टाइम चलता ही रहे बाद में बंद होगा, इसका मतलब कंटिन्यूअस रनिंग मोटर के लिए हम लोग S1 ड्यूटी यूज करते हैं। उसके बाद होता है S2, S3, S6, ऐसे बहुत सारे यूज होता है। S2 मोटर क्या होता है, जो शॉर्ट टाइम ड्यूटी, मान लीजिए अभी चला, अभी पूरा के पूरा बंद है, कुछ देर बाद बहुत टाइम बाद फिर चला, अभी बंद है, फिर चला, मतलब जो घर में जो आपका वाटर पंप होता है, क्या होता है वाटर पंप, आप घर में एक बार पंप चला के ऊपर टैंक में पानी भर लेते हो, बाद में जब भी पानी खत्म होता है तब ये पंप चलाते हो, इसका मतलब ये मोटर कौन सा क्लास का है, ड्यूटी का है, S2 ड्यूटी का। अभी मान लीजिए आपका घर में जो फैन चलती है, आपके रूम पे जो फैन चलती है, ये फैन ज्यादातर टाइम चलता ही रहता है, इस कौन सा मोटर का होगा, ये ड्यूटी S1 ड्यूटी का होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखता हूं ड्यूटी के बाद ये होता है बीआरजी नंबर, मतलब बियरिंग नंबर, बीआरजी जो नंबर पे दो लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे DE6009ZZ, उसके बाद लिखा है NDE6009ZZ, DE मतलब डिलीवरी एंड ड्राइविंग एंड, सॉरी ड्राइविंग एंड, और NDE मतलब नॉन ड्राइविंग एंड। मान लीजिए ये आपका एक मोटर हो गया, ये जो मोटर है ये एक मशीन के साथ कनेक्ट हुआ है, यहाँ पे क्या लगता है, ये हमें फैन लगता है, ऐसे करके एक फैन लगा रहता है, ये जो फैन लगा हुआ है ये क्या कहते हैं नॉन ड्राइविंग एंड, और ये क्या इस साइड को क्या कहते हैं ड्राइविंग एंड, मतलब इस साइड पे जो बियरिंग लगा हुआ है वो 6009ZZ है और ड्राइविंग एंड पे जो बियरिंग लगा हुआ है वो क्या है 6009ZZ, मतलब दोनों टाइप का बियरिंग सेम है। ऐसे बहुत सारे मोटर मिलता है जहां पे ड्राइविंग एंड और नॉन ड्राइव एंड का बियरिंग अलग अलग भी होता है। उसके बाद देख लेते हैं HP kW/HP 7.5/10, इसका मतलब ये जो मोटर है ये 0.75 किलोवाट का है, इसका मतलब 10 HP का। अभी 7.5 और 10 का मतलब क्या है, एक बहुत ही आसानी सा इक्वेशन है, क्या है किलोवाट डिवाइडेड बाय पावर फैक्टर इक्वल्स टू क्या आ जाता है HP। ये इक्वेशन के माध्यम से आपका 7.5 HP मतलब 10 किलोवाट। अभी ये जो मोटर चलता है ये 50 हर्ट्ज में चलता है, मतलब इंडिया का जो करंट का फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 50 हर्ट्ज है। उसके बाद आता हूँ पावर फैक्टर ये मोटर का 0.89 है, इसका मतलब अभी ये जो मोटर है मतलब एक कॉइल, अंदर कॉइल माध्यम से करंट फ्लो है, इंडक्टिव लोड है, जिसकी वजह से करंट जो पावर फैक्टर है ये 0.89 है। उसके बाद हम वोल्टेज 360 to 430/415D, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है वोल्टेज जो है ये आपको बीच में 360 से 430 के अंदर ही रखना होगा, और 415D इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपका मोटर जो है ये आप स्टार में कनेक्ट कर रहे हो, ये मोटर हो गया, मोटर का टर्मिनल स्टार में कनेक्ट कर रहे हो, मतलब ये हो गया आपका स्टार कनेक्शन, यहाँ पे दे रहे हो R, यहाँ पे दे रहे हो Y, यहाँ पे दे रहे हो B, ये हो गया स्टार कनेक्शन। ठीक है दोस्तों, अभी मान लीजिए आप डेल्टा में कनेक्शन करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, ये हो गया आपका मोटर का स्ट्रीम, अभी डेल्टा कनेक्शन करने के लिए ऐसे कर देंगे, यहाँ पे दे देंगे R, यहाँ पे दे देंगे Y, यहाँ पे दे देंगे B, इसका मतलब हर एक फेज स्टार या डेल्टा में कनेक्शन करो लेकिन हर एक फेज के अंदर आपको 415 वोल्ट से ज्यादा नहीं देना चाहिए। डेल्टा में कनेक्शन करेंगे तो एक फेज के दो फेज के अंदर कितना वोल्टेज आ जाएगा 415, और स्टार में कनेक्शन करेंगे एक फेज के अंदर कितना आ जाएगा 230, इसका मतलब 415 से ज्यादा वोल्टेज नहीं देना चाहिए। उसके बाद एफिशियंसी 86%, इसका मतलब क्या है दोस्तों, एफिशियंसी का मतलब होता है एक मान लीजिए इलेक्ट्रिकल मोटर है, ये एक मोटर से आप क्या कर रहे हैं एक मैकेनिकल पार्ट को घुमा रहे हैं, इसका मतलब ये मोटर जो है ये मोटर से इनपुट क्या दे रहा है
इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आउटपुट में क्या आ रहा है, एक मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे इनपुट जो है ये 86% मोटर का एफिशिएंसी। इसका मतलब ये है आप यहाँ पे अगर 100 पावर दे रहे हो तो यहाँ पे 86 ही पावर आ रहा है, बाकी 14% कहाँ पे जा रहा है, इंटरनल लॉसेस के लॉसेस हो रहा है। इसके वजह से इसीलिए एफिशिएंसी कितना है मोटर का 86%। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है IP57, ये IP57 नहीं है, आई और पी अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है IP5 और 7, ठीक है दोस्तों। ये आईपी का पूरा नाम होता है इंग्रेस प्रोसेस, क्या होता है, इंग्रेस प्रोटेक्शन। इसका मतलब आई का मतलब होता है जो डस्ट प्रोटेक्ट करती है और पी का मतलब होता है जो वाटर प्रोटेक्शन करती है। इसका मतलब यहां पे लिखा होगा IP00, इसका मतलब ये मोटर डस्ट से भी कोई प्रोटेक्शन नहीं है और पानी से भी कोई प्रोटेक्शन नहीं है इसका। और कहीं कहीं पे लिखा होगा IP11, इसका मतलब थोड़ा सा डस्ट, धूल मिट्टी या फिर थोड़ा सा पानी लग गया तो आपका मोटर खराब हो सकता है। कहीं कहीं पे लिखा होगा IP88 मान लीजिए, तो फिर ये बहुत ही डस्ट में भी चलेगा और ये पूरा के पूरा वाटर प्रूफ है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आरपीएम, आरपीएम का मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट कितना है, आरपीएम कितना लिखा है 1440। इसका मतलब दोस्तों जो मोटर का फुल लोड आरपीएम होगा घूमेगा एक मिनट में 1440 आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट स्पीड में घूमेगा। उसके बाद करंट कितना है एम्प्स, 18 मतलब ये जो फुल लोड करंट लेगा कितना लेगा, 18 एम्पियर करंट लेगा। उसके बाद दोस्तों INCLF, इसका मतलब इंसुलेशन क्लास, IN मतलब इंसुलेशन, CL मतलब क्लास, F यहाँ पे दोस्तों शॉर्ट में आपको बता देता हूँ इंसुलेशन क्लास क्या होता है। इंसुलेशन क्लास दोस्तों बहुत सारे इंसुलेशन क्लास है, यहाँ पे F टाइप का इंसुलेशन क्लास यूज किया गया है। मैं आपको बता देता हूँ इंसुलेशन क्लास Y से शुरू होता है, उसके बाद मान लीजिए A, उसके बाद F, सॉरी उसके बाद E, उसके बाद आता हूँ B, उसके बाद F और उसके बाद H, उसके बाद C। इसका मतलब यह होता है ये क्या हो गया 90 डिग्री सेल्सियस जो है Y, A का मतलब क्या हो जाएगा 105 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद E का मतलब क्या हो जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस, B का मतलब 130 डिग्री सेल्सियस, F का मतलब आ जाएगा 155 और H का मतलब हो जाएगा 180 से नीचे और C का मतलब क्या हो जाएगा 180 डिग्री के ऊपर। इसका मतलब आपका यहाँ पे कितना यूज किया जा रहा है F मतलब, तो फिर कितना हो जाएगा F मतलब 155 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये जो इंसुलेशन है इसका ये 155 डिग्री सेल्सियस तक आसानी से चल जाएगा, ठीक है। और एम्बियंट टेम्परेचर कितना है, मतलब मोटर का आसपास का टेम्परेचर कितना होना चाहिए 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है दोस्तों। और ये मेड इन इंडिया का मोटर है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत मोटर का जो नेम प्लेट है इसको समझ पाए आप। और इस तरह की और भी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और पास में रही घंटी दबा को बेल आइकन को जरूर दबाएं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, ओके थैंक यू।